प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तक जो काम नहीं कर पाए वो काम एक अकेले अफसर ने कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बीच दोस्ती बस दिखावे भर की है, इस बात को साबित करने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने खूब बयानबाजी की, फिर भी वो काम नहीं आया। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग के आईएएस अधिकारी ने एक चिट्ठी क्या लिख दी, बिहार की पूरी राजनीति की ही पोल पट्टी खुल गई और साफ हो गया कि नीतीश और तेजस्वी मिलकर जिस विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं बल्कि नीतीश और तेजस्वी के अपने नेता हैं, जिनकी सुनी गई तो वो नीतीश और तेजस्वी की एकता को भी तोड़कर महागठबंधन की सरकार को भी गिरा देंगे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बिहार का शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, वहीं जिन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी और जिसके बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हंगामा मचा था। उन्हीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आप्त सचिव डॉक्टर कृष्णानंद यादव ने बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के लिए एक पत्र लिखा और शिक्षा विभाग में कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की। डॉक्टर कृष्णानंद यादव ने यह पत्र शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से लिखा था। के पाठक ने इसका जवाब तो नहीं दिया, उल्टे बिहार के हर स्कूल कॉलेज में डॉक्टर कृष्णानंद यादव के घुसने पर रोक लगा दी गई। मंत्री चंद्रशेखर ने इसे दिल पर ले लिया, लालू यादव से भी मिले, फिर उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई, लेकिन तब वहां पर के पाठक भी मौजूद थे। जाहिर है कि दोनों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मध्यस्थता की ही कोशिश की होगी ताकि मामला शांत हो जाए, तो वहां से निकलकर दोनों शांत हो गए। न तो चंद्रशेखर ने के पाठक के लिए कुछ कहा और न ही के पाठक ने चंद्रशेखर के लिए, लेकिन इस विवाद की वजह से जेडीयू और आरजेडी के उन नेताओं को मौका मिल गया जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। जेडीयू में ऐसे नेताओं की संख्या दर्जनों में है जो आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी को पसंद नहीं करते हैं। ठीक यही हाल आरजेडी का भी है, जिसके तमाम नेता नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि बड़ी पार्टी आरजेडी है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाए। ऐसे ही एक आरजेडी नेता है सुनील कुमार सिंह, आरजेडी कोटे से एमएलसी हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया है और लिखा है कि अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि देश का मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन कौन है तो इसका जवाब क्या होगा। उनका इशारा साफ तौर पर नीतीश कुमार की तरफ ही था और उनके इस फेसबुक पोस्ट के कमेंट से ये बात जाहिर भी हो गई। इससे पहले उन्होंने अपने नेता चंद्रशेखर का बचाव भी किया था और के पाठक पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर वो इतने ही ईमानदार हैं तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठाना चाहिए जहां बैठकर वो हर विभाग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे जोड़ते हुए सुनील सिंह ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार को जिसे सींचना होता है यानी कि जिसे प्रताड़ित करना होता है उसके पीछे ऐसे अफसर लगा देते हैं। इससे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कितनी खरी खोटी सुना चुके हैं, ये किसी से छिपी बात नहीं है। हालांकि सुनील सिंह की फेसबुक पोस्ट का जवाब देने की बारी जेडीयू की थी, तो जेडीयू से जवाब आया भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से। उन्होंने कहा कि सुनील सिंह सिर्फ आरजेडी के नेता भर हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं। हम तो सुनील सिंह जैसे नेताओं का नोटिस भी नहीं लेते हैं। अब सुनील सिंह इज नॉट अ अल्टीमेट लीडर ऑफ द आरजेडी ना, व्हाई शुड वी रिएक्ट ऑन सुनील सिंह? लालू यादव क्या बोले, राबड़ी देवी क्या बोली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। अननेसेसरी आप लोग 24 घंटा, क्योंकि आपको तो 24 घंटा पोर्टल चलाना है तो आपको तो रोज सनसनी चाहिए, तो रोज सुनील सिंह कर रहे हैं। सुनील सिंह कोई हम लोगों के लिए अभी डोंट टेक हिम सीरियसली। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने फिर से जवाब दिया, बोले कि अशोक चौधरी तो दल बदलू हैं, उन्होंने विधानमंडल में राबड़ी देवी का भी अपमान किया था, वो भरोसे के आदमी नहीं है, नीतीश कुमार को कभी भी धोखा दे सकते हैं। कितने शर्म की बात है कि आप महागठबंधन के सरकार में हैं, आप उसके पार्ट हैं, आप उसमें माननीय मंत्री हैं, समझदार मंत्री हैं, आप कई घाट बदल कर आए हैं, कभी ईर घाट, कभी वीर घाट, कभी सीर घाट, कभी साबरमती में आप बैठ कर धुनी रमाए, कभी आप संगम घाट पर धुनी रमाए, कभी गंगा घाट पर बैठ के आप धुनी रमा रहे हैं। आपका विशाल अनुभव है, भगवान करे ऐसा विशाल अनुभव किसी के पास नहीं हो, और आप जंगलराज की बात करने लगे, आप करने लगे कि मैं भाजपा की भाषा बोलता हूँ। अगर मैं एक जगह भी गलत किया रहता और माननीय मंत्री जी जिसका घर शीशा का हो वो दूसरे पर ढेला नहीं फेंका करते, अगर हम आ जाएं अगर व्यक्तिगत रूप से तो आप भी समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ तक चला जाऊँ। इसका जवाब जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह की तरफ से आया।
उन्होंने आरजेडी नेता सुनील सिंह को धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसा ही चला तो हमारे सब्र का बांध टूट सकता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जेडीयू नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने फिर से एक फेसबुक पोस्ट लिखी, इशारों इशारों में लिखा कि ताकत, सत्ता, जवानी कुछ भी स्थायी नहीं, सभी की एक्सपायरी डेट होती है, विनम्र रहें। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक शेर की तस्वीर भी लगा रखी थी जो बुजुर्ग सा दिख रहा था और जिसकी सेहत भी कमजोर लग रही थी। अब बिहार के ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में ये किसके लिए है शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पूरे मसले पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने ही चुप्पी साध रखी है, किसी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी को तो एक मौका चाहिए था और वो मिल गया है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मसले पर जेडीयू का पक्ष लिया है और कहा है कि आरजेडी का पूरा कुनबा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की योजना में लगा है, इसलिए आरजेडी नेता नीतीश कुमार को अपमानित कर रहे हैं। ये डॉग फाइट प्रारंभ हो गई है। अब देखिए लक्षण अच्छे नहीं है, न जनता दल यू के लोग तेजस्वी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और न राजद के लोग नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राजद के कार्यकर्ता और मंत्रियों की हालत दोयम दर्जे के नागरिक की हो गई है, कोई सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुन रहा है। नीतीश कुमार के साथ ही रहे और अब भाजपा के सिपहसालार बने आरसीपी सिंह ने भी कह दिया है कि आरजेडी और जेडीयू कार्यकर्ताओं का तो मेल हो ही नहीं सकता है। तो नीतीश कुमार के एक और पुराने दोस्त और अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि आरजेडी जेडीयू के बीच ये होना ही था। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से दोस्ती ही इस वजह से की है कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने दिया जाए। सच यही है और बात तो धीरे धीरे अब सामने भी आ रही है। सच यही है कि आरजेडी के नेता लालू यादव जी ने सिर्फ और सिर्फ गठबंधन किया है अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और कुछ भी दूसरा इसका मतलब नहीं। और बेटा को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख रहे हैं तो घबराहट है, और इस घबराहट में अपने लोगों को एक तरह से उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि जो मन में आवे बोलते रहो। और इस तरह की सियासी बयानबाजी के बीच लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव के परिवार के खिलाफ दाखिल चार्जशीट ने कोर्ट में खाज का काम कर दिया है। इस चार्जशीट में तेजस्वी यादव पर भी आरोप है और इस बीच बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो गया है, जिसमें बीजेपी तेजस्वी यादव की मौजूदगी का विरोध कर रही है और बार बार नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति की याद दिला रही है, जिसने महागठबंधन को वाकई असहज कर दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठजोड़ को कमजोर करने के लिए जिस एक मौके की तलाश में थी, वो मौका उसे एक आईएएस अधिकारी की चिट्ठी ने दिया है, जिसने इस राजनीतिक गठजोड़ की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।